दोस्तों, राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की फिल्म आराधना साल 1969 की सबसे बड़ी हिट थी। इस फिल्म में फरीदा जलाल ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फरीदा जलाल ने अपने करियर की शुरुआत इसी फिल्म से की थी। आराधना के सफलता का सारा श्रेय राजेश खन्ना को ही जाता है। अब इस फिल्म के रिलीज के 55 साल बाद फरीदा जलाल ने दिवंगत सुपरस्टार राजेश खन्ना को घमंडी कहा है। अपने एक इंटरव्यू में फरीदा जलाल ने आराधना फिल्म के दिनों को याद किया। उन्होंने बातचीत में बताया कि राजेश खन्ना के साथ काम करना काफी मुश्किल था। उन्होंने आगे कहा, आराधना की रिलीज के समय तक राजेश खन्ना थोड़े घमंडी भी हो गए थे और आराधना की सफलता के बाद उनका घमंड और भी बढ़ गया था। वो अपने आगे किसी को नहीं समझते थे। फरीदा जलाल ने खुलासा किया कि वो राजेश खन्ना को उनकी बाकी फीमेल फैंस की तरह उतना महत्व नहीं देती थी, जिसकी वजह से राजेश खन्ना उनसे थोड़ा नाराज भी रहते थे। इसीलिए अक्सर दोनों के बीच तूतू मैं हो जाया करती थी। फरीदा जलाल ने आगे कहा कि उन्होंने रिहर्सल करने के लिए कहा तो वो चिल्ला कर बोले, कितनी रिहर्सल, और उन्हें ये बात सुनकर काफी बुरा लगा और उसके बाद दोनों में झगड़ा हो गया। हालांकि फरीदा जलाल ने आराधना की सफलता का सारा श्रेय राजेश खन्ना को दिया और कहा कि ये बहुत ही अच्छी फिल्म थी। उन्होंने आगे कहा कि जब फिल्म हिट हुई तो वो अच्छे दोस्त बन गए थे। आपको बता दे, आराधना 75 हफ्तों तक सिनेमाघरों में लगी रही थी। इस अपार सफलता के बाद लोग फिल्म की पूरी टीम को अलग अलग शहरों में बुलाते थे और सबको डायमंड जुबली अवार्ड देते थे।